आज हम पहुंच गए एक नई लोकेशन पर आरावली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में। तो यहाँ का व्यू हम दिखाने वाले हैं आपको, बहुत सुंदर जगह है यहाँ की गाइस। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का नजारा दिखाएंगे आज के वीडियो में हम आपको। चलते हैं उस पहाड़ी पर, देखते हैं वहाँ। बहुत बड़े बड़े पहाड़ है और इनमें जंगली जानवरों का भय बना हुआ है। और यहाँ मैं आपको एक नया लोकेशन दिखाने आया हूँ, यहाँ पर दैवीय शक्तियों का आभास होता है, वो जगह हम लेके चलता हूँ आपको। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। हमारे पीछे जो पेड़ दिखाई दे रहा है उसके नीचे है देवी शक्तियों का आवास। हम चल के आपको दिखाते हैं। देवी शक्तियों का बहुत ज़्यादा प्रकोप है और मैं अकेला हूँ गाइस, मुझे डर भी लग रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक करके हमारे दिल का हौसला बढ़ाए गाइस आगे वीडियो बनाने के लिए। गाइस आपको सामने नीम का पेड़ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तरसूल वगैरह लगे हुए हैं, बहुत दैवीय शक्ति प्रकट है। यहाँ पर कहते हैं कि ठाकुर बाबा बहुत पुराने समय से तो यहाँ पर पूजा रहे हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ये दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ गाइस। तो आप एंड तक बने रहिए मगर वीडियो में। यहाँ पर देवस्थान है ना, यहाँ पर ठाकुर बाबा इसकी शराब चलाई जाती है और आप देख सकते हो हम मेरे पीछे ये शराब की कितनी बोतलें पड़ी हुई है और इधर नीचे भी पड़ी हुई है। इधर कंदराओं में पर्वत की बड़ी बड़ी श्रृंखलाओं से घिरी हुई है ये जगह। सुंदर और मनोरम दृश्य है गाइस यहाँ का। वीडियो भी देखते हो, कमेंट में भी कुछ लिख के डाला करो, हमारा हौसला बढ़े आगे वीडियो बनाने के लिए। ऊंचे नीचे पहाड़ों के अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं है यहाँ का व्यू, तो बस पहाड़ी एरिया है। पहाड़ों पे उतरना चढ़ना उतरना चढ़ना बस। और कंदराओं में यहाँ पर कुछ स्थान बने हुए हैं जो कि देवी देवताओं के हैं, एकांत जगह में रहते हैं और एकांत जगह में भी लोग आकर ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे ऐसे ऊंचे नीचे रास्ते हैं, इनमें पगडंडियाँ बनी हुई हैं, इनसे ऊपर नीचे चलना पड़ता है। और अभी हमने इस पहाड़ी पे गए, यहाँ पर आपने इस देवता का स्थान दिखाया, पहाड़ के ऊपर की छोर से नीचे आ रहे हैं। कुछ दूरी तय करने के बाद यहाँ पर एक स्थान और आ जाता है, पर्वतों के बीच में ही है। तो आप देखिए यहाँ का लोकेशन भी बहुत शानदार है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत मनोरम दृश्य है यहाँ का। हमारा मन यहाँ पर आकर खुश हो गया गाइस। यहाँ पर भी कुछ देवताओं की शक्तियाँ हैं, कई अनेक नए नए स्थान भी बने हुए हैं। तो आप हमारे चैनल में सपोर्ट करिए गाइस, हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो बकरियाँ चराने वाले ग्वाल है उधर से आ रहे हैं गाइस, तो ये देख सकते हो आप आवाज़ें आ रही हैं उनकी। और बकरियां चराते हैं यहाँ पर दिन भर। और गाइस अब हम उनसे करते हैं बातचीत। हाँ बीड़ी तंबाकू का पीछे ले लीजिए, लेकिन ये थोड़ी सी यार पैसे पूरे बदल दीजिए। तो गाइस हम वहाँ से चल के दूरी पे आ चुके हैं
यहाँ का दृश्य बहुत रमणीय और बहुत सुंदर है। यहाँ पर पानी के झरने भी बह रहे हैं। तो यार गाइस, यहाँ का मनोरम दृश्य आप देख ही रहे होंगे, क्या सुंदरता है यहाँ की। और गाइस, आपके मनोरंजन के लिए हम वीडियो बनाते हैं। गाइस, कितनी मेहनत होती है वीडियो बनाने में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए गाइस, और कुछ कमेंट में अच्छा प्यारा सा लिख कर भेजिए गाइस, इससे हमारा हौसला बढ़े आगे वीडियो बनाने के लिए। हम आपको अच्छे अच्छे ब्लॉगिंग दिखाते रहेंगे। गाइस, यहाँ पर प्रकृति का करिश्मा नज़र आता है। यहाँ पर क्या है गाइस, जंगली जानवरों का घर बना हुआ है। गाइस, यहाँ पर क्या है, पानी बहुत सारा है, इसमें आते हैं जानवर पानी पीने के लिए, और इधर जंगल में रहते हैं। बड़े बड़े पत्थरों की चट्टाने हैं यहाँ पर, और इधर ही पानी भरा हुआ, बिल्कुल साफ पानी है। गाइस, यहाँ का पानी बिल्कुल साफ है, कांच की तरह। ये ऐसी कुछ खास जगह है जहाँ पर क्या है कि देवी शक्तियों का भी आवास बना हुआ है, यहाँ पर जंगली जानवरों का भी आवास है। तो यहाँ पर गाइस कोई आता जाता नहीं है, दिन में न रात में कोई हिम्मत वाला आता है या कोई साथ में लेके आता है आदमियों को, सभी आता है, अकेला आदमी नहीं आ पाता। का लोकेशन हमारा जंगल का रहा, पहाड़ों का रहा। हमने आपको अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के पहाड़ भी दिखाए, और यहाँ पे झरने भी दिखाए, और जंगल भी दिखाया हमने यहाँ का। वीडियो में बस इतना ही काफ़ी। चलते हैं अब घर पे।